ये हमने मस्त ज्वेलर के निशान मारे, आई थिंक सो इतने काफी हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल जैपैक बॉयज। हम लोग मौजूद हैं trims.pk पे और मैंने दिया इन्हें एक चैलेंज जो कि आप कैप्शन में पढ़ ही चुके हैं। खैर, उस चैलेंज के बारे में फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा आप लोगों को इनका स्टोर दिखाना, क्योंकि आई डोंट थिंक सो पूरे कराची में ऐसा कोई और स्टोर मौजूद है, वन स्टॉप सोल्यूशन, मतलब लाइक अ प्रॉपर स्टोर ना, विथ शेल्व्स एंड एवरीथिंग। इनके पास स्पेशली SUV की बहुत बड़ी कैटेगरी मौजूद है, LED लाइट्स हो, वो गार्निशेज हो, वो ये जो क्या एयर प्रेस कहते हैं वो हो, ग्रिल्स हो, और यहीं तक हम जो है ना वो महदूद नहीं है। अगर मैं फर्दर आऊँ आपको दिखा सकूँ, ये वो चीज़ है जिसके ऊपर मेरी नज़र गई, ये TRD का प्रो सीरीज सस्पेंशन है, ठीक है, प्रो कंफर्ट सीरीज, ठीक है, और ये थाईलैंड में एक स्पेशल एडिशन आया है रेवो का और फॉर्चूनर का, उसमें आता है, तो ये भी यहाँ अवेलेबल है, लेकिन मैं अपने लिए सस्पेंशन ऑर्डर कर चुका था वरना मैं यही वाला बाय करता। और फर्दर आऊँ तो इनके पास हैमर बम्पर की बहुत बड़ी कलेक्शन मौजूद है, हर तरीके के बम्पर्स मौजूद हैं, फिर फेस लिफ्ट मौजूद है, और मज़ीद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इनके पास हर चीज़ ही मौजूद है यार। कार कवर ले लें आप, कारचर ले लें, लुब्रिकेंट्स डिफरेंट तरीके के जो मतलब जो इन्हेंस करते हैं इंजन को, और मेरे वो सारे भाई जिनको डिटेलिंग का बहुत शौक़ है, अपनी गाड़ी साफ़ रखने का बहुत शौक़ है, इनके पास 3M के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। आप लोगों ने पहले मेरे मुँह से सुना होगा मदर्स के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, मतलब डिटेलिंग का ये पूरा रैक है जिसमें डिटेलिंग के प्रोडक्ट्स हैं। हर बजट के लिए यहाँ पे डिटेलिंग का प्रोडक्ट मुझे दिख रहा है। आई कैन सी मदर्स, आई कैन सी मिगवायर्स, आई कैन सी सोनेक्स, आई कैन सी टर्टल्स, दीज आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, और फिर चाइनीज़ वर्जन भी मौजूद हैं। और उधर 3M है, पीछे इधर आ जाऊँ तो क्लोथ्स हैं, और मतलब इतना कुछ है, मैं क्या क्या दिखाऊँ क्या क्या बताऊँ। मैंने बेसिकली ऐसा स्टोर और जगहों पे देखा है, लेकिन मैंने कराची में अभी तक ऐसा स्टोर नहीं देखा था, कोई भी स्टोर नहीं है। अगर कोई है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैंने तो नहीं देखा भाई, ठीक है, और मैं इस चीज़ पर बैट कर सकता हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी, ये पहले मैंने नहीं देखा, ये शायद मैंने कभी बहुत पहले मेट्रो में देखा था एक बारी। ये आप डिफरेंट तरीके की यहाँ पे LCDs हैं मौजूद इनके पास, और वो इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई हैं कि आप यूज़ करके देख सकते हैं ना कि मतलब क्या किस तरीके का प्रोडक्ट है। स्पीकर्स, वूफर्स, ये टेस्टिंग के लिए लगे हुए हैं। अच्छा, हम दूसरी तरफ आ जाते हैं यहाँ पे, अभी हम थोड़ी देर में जो मैनेजर है उनसे भी मिलेंगे। इस तरफ साउंड सिस्टम की बड़ी रेंज मौजूद है, ठीक है, इसमें एम्प्स हैं और सेम गोज, हर क्वालिटी का प्रोडक्ट मुझे दिख रहा है इधर, ठीक है, JBL भी दिख रहा है मुझे इधर, चाइनीज़ भी दिख रहा है, एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज प्रेजेंट हेयर। तो आई एम लविंग दिस स्टोर, और लेकिन आई एम लविंग दिस स्टोर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज क्या ये मेरे चैलेंज पर उतर पाएंगे। आई हैव चैलेंज दीज गाइज टू मेक माई कार स्क्रैच प्रूफ, समझ रहे हो, मैंने बोला चाबी लेके निशान मारूंगा और फिर PPF उतार के देखूंगा अंदर निशान आया है कि नहीं आया है, क्योंकि भाई PPF तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं मार्केट में। लेकिन मैंने इससे पहले भी 2-3 लोगों को रीच आउट किया, कोई भी इस चीज़ के ऊपर राजी नहीं था, ये मान गए। इन्होंने कहा हम आपके लिए, आप जो भी पैनल कहेंगे हम उसको PPF करेंगे, PPF करने के बाद मैं मारूंगा उस पर निशान और फिर हम PPF उतारेंगे और फिर हम देखेंगे क्या उस PPF ने हमारे पेंट को प्रोटेक्ट किया या नहीं। ये सब कुछ आप देखेंगे इस वीडियो में। चलते हैं हम स्टोर मैनेजर्स के साथ थोड़ी सी बातचीत करते हैं और फर्दर सीन्स दिखाते हैं आपको। ये सब कुछ हम कर रहे हैं पार्कव्हील्स ऑटो शो के लिए। मैं आप सबको मिलूंगा 25th of December को पार्कव्हील्स ऑटो शो कराची में इंशाल्लाह विद अ वैशी डाला, मतलब आप लोगों को मज़ा नहीं आया ना फिर बात करना। चलते हैं स्टोर मैनेजर से कुछ बातें करते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं जो कि trims.pk के स्टोर मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। आसिफ साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई है स्टोर देख के। मैंने कराची के अंदर स्पेशली ऐसा कोई स्टोर नहीं देखा जिसमें इतनी वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मौजूद हों। आसिफ साहब,
थोड़ा सा मुझे आप मजीद प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे। मैं लाइट्स जो है ना, मैं चाह रहा था मेरे पास बम्पर में कोई लाइट्स नहीं लगी, बम्पर में आपकी लाइट्स नहीं लगी हुई है, तो आपको आई मैं एलईडी लाइट्स चेक करवाता हूँ। ये जला के कैसे दिखाएंगे आप मुझे, जला के चेक करा सकते हैं? मैं आपको जला के चेक करवा, भाई चले आप मुझे जला के चेक करें। अरे वाह, मुझे लग रहा था अभी आप कोई तारे निकालेंगे, कोई बैटरी लाएगा, वो बैटरियां लगाएगा। दिस इज एन अमेजिंग थिंग, वाओ। इसमें देखें, थर्ड पे देखें आप, तो मैं मिल जो मैं अंधा हो जाऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा ही तेज है। ये देखें, बाद में अंधा हो जाऊंगा सब। ये देखिए, ये बिल्कुल इसकी छह छोटी लाइट्स है जी, इससे ठीक हो गया। सबसे अच्छा जो है ना, वो मुझे इस वाली लाइट का लग रहा है। चले इसके बारे में हम फर्दर बात करते हैं आज साहब। अच्छा, आपकी गाड़ी में मैंने देखा, तो अभी आपकी गाड़ी में साइड स्टेप और बैक बम्पर नहीं है, तो उसके बारे में आप बिल्कुल तो आप करवाए रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आप ये भी चीज़ें दिखाएं, प्रोडक्ट दिखाएं। जी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा आ जाए, आप भी बैठे, हमारे पास ये सिटिंग एरिया है हमारा, आया है सब बैठे आ जाए आप। ये बहुत बहुत मतलब जो है ना, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि जितने भी स्टोर्स हैं ना उसमें आज सब ये चीज़ बहुत लैक करती है कि जो सिटिंग एरिया है वो मौजूद नहीं होता। और मतलब ऑब्वियसली अगर मैं आ रहा हूँ अपनी गाड़ी का काम करवाने के लिए और 4 घंटे मुझे बैठना है, तो रोड पे तो नहीं मैं बैठूंगा जी, बिल्कुल। बहुत कस्टमर्स को परेशानी होती है, तो इस चीज़ से तो मैं बहुत ही खुश हूँ। अच्छा, मुझे इनमें से एक साइड स्टेप तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को अभी नहीं बताऊंगा कि मुझे कौन सा समझ में आ रहा है। बैक बम्पर का बताएं, बैक बम्पर के क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, चलते हैं हम लोग बैक बम्पर। इधर यहां से इधर इधर आ जाए, मैं आप इधर नहीं उधर जी हां इधर आ, इधर इधर क्या है, मैं आपको इस पे एलईडी पे दिखाता हूं। ओके लगे हुए, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर्स मौजूद हैं जिसमें लगे हुए ऑप्शन मौजूद हैं। वाओ यार, दिस इज अमेजिंग यार, दिस इज अमेजिंग। अच्छा, ये वाला बम्पर भी अवेलेबल है हमारे पास जी, ये बिल्कुल। इधर इधर नहीं आना, ये वाला नहीं दिखाना, ये इस पे तो मेरा दिल आ गया है, इस पे तो मेरा दिल आ गया है। अच्छा, ये साइड प्रोफाइल भी दिखी, ये फोटो आप बंद करेंगे, मैं फिर इन लोगों को दिखाऊंगा। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, इधर इनके पास डिफरेंट एंगल की पिक्चर्स मौजूद हैं कि वो बम्पर कितना, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है ना यार, कोई प्रोडक्ट होता है कि कोई बम्पर कोई बहुत बाहर ना आ रहा हो बॉडी से, तो हर एंगल की पिक्चर मौजूद है, तो मैं देख सकता हूँ कि मतलब फिट होने के बाद बम्पर कैसा लगेगा। या इसी तरह इनके पास हर गाड़ी के डिफरेंट जो है ना पिक्चर्स मौजूद हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगने के बाद कैसी लगती हैं। आई थिंक सो दिस इज़ एन अमेजिंग आइडिया। आप लोग भी जब अगर इस स्टोर में आएँ और आप अपनी गाड़ी का कोई भी सामान लगवा रहे हों, तो वो आपको मोस्ट ऑफ दी थिंग्स की पिक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगी कि वो गाड़ी पे लगने के बाद कैसा लगेगा। थैंक यू आज साहब, चलते हैं PPF वाला काम शुरू करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको चैलेंज दिया उस पर आप लोग और आपकी टीम पूरी उतरेगी इंशाल्लाह। सो व्यूअर्स, एज आई टोल्ड यू गाइज कि मैंने दिया इन्हें चैलेंज, तो मैंने इनसे की थी रिक्वेस्ट कि सबसे पहले आप मुझे एक पीस PPF करके दिखाएं, और उसके बाद मैं PPF का टेस्ट करूँगा। जी हाँ, मैं टेस्ट करूँगा, अभी हम वो PPF का पीस उतार के देखेंगे और फिर हम पूरी गाड़ी PPF के लिए छोड़ेंगे। अगर वो फेल होती है तो ये जो पैनल है वो शायद फिर पेंट होने के लिए जा रहा होगा। तो क्या PPF काम की चीज़ है? क्या PPF इज़ एक्चुअली अ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म? ये हम अभी चेक करने जा रहे हैं, और थोड़ी देर में आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि PPF है कि नहीं। सो बॉयज, आई थिंक सो आप लोगों को फ़र्क दिख रहा होगा PPF हुई हुई जो चीज़ है उसमें, और जो PPF नहीं हुआ हुआ उसमें, दोनों के शाइन में भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया ना। मतलब ये अभी अनप्रिपेयर्ड सर्विस पे इन्होंने PPF किया है, अभी पूरी गाड़ी कंपाउंड होगी, पॉलिश होगी फिर से। जी हाँ, हमने जो सेरेमिक की थी उसके ऊपर वापस ये पूरी गाड़ी डिटेल होगी, 0 सॉइल मार्क्स पे आएगी, उसके बाद PPF लगेगा। अभी डायरेक्ट अनप्रिपेयर्ड पेंट के ऊपर इन्होंने PPF किया है, और आप फ़र्क देख सकते हैं कि PPF हुआ हुआ और बगैर हुआ हुआ दोनों का फ़र्क जो है ना वो वाजे बिल्कुल दिख रहा है। जो PPF इन्होंने अभी किया है वो तो ऐसा लग रहा है कि मतलब शीशा कर दिया ना इन्होंने,
तो अगर ये पॉलिश होने के बाद जब PPF होगा तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट लेवल हो जाएगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या trims.pk पास होगा टेस्ट में या होगा फेल। द मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज हियर, ये है चाबी इसी गाड़ी की और अब हम गेम करने वाले हैं। साइन कर रहा है आपका भाई अपना ना, दिल से ना, मतलब दुख तो हो रहा है और डर भी लग रहा है। ए मुनीप भाई, मुनीप भाई डर तो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, मुझे पता है सबसे डर क्या लग रहा है कि PPF जो हुई हुई जगह है उसके बजाय मैं दूसरे पेड़ में ही ना मार दूं। मुनीप भाई कहाँ तक PPF हुआ है? ये जो है ना, ये हमने मस्त जो है ना निशान मारे, आई थिंक सो इतने काफी है। क्या बोल रहे मुनीप भाई? बहुत है, पक्का बहुत है। दिखाएं जरा इन बॉयज को, जरा एंगल से दिखाएं ना ताकि इनको करीब से दिखे। खांसी जो है ना आपके भाई की वो जा नहीं रही है, अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा और अभी मुझे दुआ की सख्त जरूरत है। जब हम ये PPF हटाने लगे तो देखने लगे कि अंदर क्या सिस्टम जो है ना वो निकलता है, पता चले दरवाजे की कवाली हो रही है। निकालते हैं अपना PPF। हाँ भाई, अब चैलेंज पूरा कर दें आप, उतारें इसको आराम से, प्यार से। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह बचा लेना। पक्का बच गया, पक्का बच गया। अबे हाँ, अबे ओके, अबे ये तो बहुत बहुत मोटा है यार, मतलब आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग, मैंने पकड़ के नहीं देखा था, ये अच्छा खासा मोटा है यार, अच्छा खासा मोटा है ये अबे पूरा प्लास्टिक है ये तो, जैसे वो हमारी कॉपियों में हम बचपन में चढ़ाते थे ये तो घंटा। इसके एक मिनट, इसको पकड़िएगा आप दोनों जोर से, ये आप लोग शायद ये देखें, ये बहुत मोटा है यार, इसके ऊपर एक कपड़ा भी मारेंगे। सो बॉयज, इसके ऊपर हम ना एक कपड़ा मार के देखते हैं टू और ज्यादा टू मेक श्योर के हमारे पूरे जो दरवाजे पे कोई सिस्टम तो नहीं हुआ है। यार मतलब अमेजिंग यार, आई एम वेरी अमेज्ड न्यू गाइज आर अप्रूव्ड। ये रही चाबी, चाबी है बाकी और आप लोग टेस्ट में जो है वो पास हो गए हैं और PPF इज एक्चुअली समथिंग व्हिच विल प्रोटेक्ट माय पेंट, तो ऑब्वियसली आई वांट माय कार टू बी PPF। तो अब आप PPF करेंगे और जो स्पेशल चीजें आपके कहने पे मैंने सेलेक्ट की हैं वो सब फिट करेंगे और अगली एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि गाड़ी का फाइनल लुक क्या आता है और हम आपसे मिलेंगे पार्किंग लॉट शो में कमिंग 25th ऑफ दिसंबर।